विजयनगर क्षेत्र के शगुन आर्केड में एटीएम स्पा एवं स्किन क्लिनिक में जिस्म फिरोशी का धंधा चलने की सूचना पर दो दिन पहले क्राइम ब्रांच और महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस दौरान संदिग्ध हालत में मिले 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 10 युवतियां और 8 युवक हैं। आरोपी स्पा सेंटर संचालक संजय वर्मा पहले भी इसी स्पा सेंटर पर की गई कार्रवाई में पकड़ा गया था। तब वे यहां मैनेजर के रूप में काम करता था। तब इस स्पा का संचालन भोपाल की नीलम किमानी कर रही थी। कागजात भी उसके नाम से मिले थे। आरोपी संजय ने करीब 3-4 माह पहले ही इसकी फ्रेंचाइजी ली थी। दिसंबर के पहले ही सप्ताह में इसे ओपन किया गया था। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया, पकड़ी गई 10 युवतियों में से 7 थाईलैंड की हैं। इनमें से 4 युवतियों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं, जिनमें इनका जेंडर मेल लिखा है। ऐसी संभावना है कि जेंडर चेंज करवा कर ये जिस्म फिरोशी के धंधे में उतरी थी। अन्य 3 युवतियों में से 2 पर कुछ समय पहले लसोड़िया थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था, जिनके पासपोर्ट कोर्ट में जमा है। शनिवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इधर स्पा सेंटर पर थाईलैंड की 10 लड़कियों से पकड़े गए 8 ग्राहकों में से 3 खंडवा के खालवा मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। हरसूद विधानसभा क्षेत्र के नेता प्रदेश सरकार में वन मंत्री विजय शाह के करीबी बताए जा रहे हैं। तीनों मसाज करवाने वहां आए थे, इसी दौरान छापा पड़ गया और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस के मुताबिक सेक्स रैकेट मामले में खंडवा के 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। इनमें वरुण यादव, विवेक नामदेव और अशोक सिंगला शामिल थे। ये तीनों भाजपा के पदाधिकारी हैं। वरुण यादव युवा मोर्चा खालवा मंडल में उपाध्यक्ष और विवेक नामदेव महामंत्री हैं। अशोक सिंगला भाजपा का कार्यकर्ता है और ढाबा संचालक है। एटम स्पा पे कार्रवाई की थी क्राइम ब्रांच और महिला थाने की टीम ने मिलकर, और उसमें 18 आरोपी हैं, जिसमें से 10 महिलाएं हैं, 8 पुरुष हैं, और उसमें 10 महिलाओं में 7 महिलाएं थाईलैंड की हैं। उनका वीज़ा, पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ही थाईलैंड का है, और उसमें से हम लोग को मैक्सिमम के पासपोर्ट भी मिल गए हैं। लेकिन 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनके कुछ समय पहले लसूड़िया थाने का कोई प्रकरण बना था, और उनका कहना यह है कि हमारे पासपोर्ट वहां पर जमा है, न्यायालय में जमा है, और अभी फिर उसके लिए हम लोग तस्दीक कर लेंगे। बाकी अभी तो न्यायालय पेश करने जा रहे हैं। एक्चुअली इनके पासपोर्ट में लिखा है मेल, जिनके 4 के मिले हैं, लेकिन ये हाँ ये महिलाएं हैं। तो अब देखिए, अब पूरी तरह से तो मैं नहीं कह पाऊंगी। पिछली बार एक्चुअली थोड़ा सा चेंज थी, पिछली बार की भूमिका में ये मैनेजर था, अभी वर्तमान में ये, इसने जैसा बताया है जो अभी तक की उसमें सामने आया है, ये संचालक है। इसका कहना ये था कि मैंने फ्रेंचाइजी ले ली है, और पिछले 3-4 महीने पहले मैंने फ्रेंचाइजी ली थी, और अभी दिसंबर में मैंने फर्स्ट वीक में ही इसको ओपन किया है।